हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू योर 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में लेंचो नाम का फार्मर है उसके बारे में बताया है। जनरली जो फार्मर होते हैं उनमें क्या क्या दिक्कत आती है, और यहाँ पे लो लेंचो नाम का फार्मर है वो वैली में, वैली मीन्स जो घाटी है उसमें उसका घर है। और जनरली जो फार्मर होते हैं उनके रैन की प्रॉब्लम आती है, या तो कई बार ज्यादा रैन हो जाती है या कई बार कम रैन होती है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस लेंचो नाम का फार्मर है उसके सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उसकी फैमिली फैमिली में कौन है, कैसी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आने के बाद वो किस प्रकार से उसको सॉल्व करता है। The house, the only one in the entire valley. Valley mist, घाटी। उस वैली में, जो एंटायर वैली है पूरी की पूरी, उस घाटी में सिर्फ एक ही हाउस था, और वो हाउस कहाँ है? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्रेस्ट मिस्ट द टॉप ऑफ हिल, जो पहाड़ी होती है इस प्रकार से जो होती है, तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। वहां पे क्या था? इस लेंचो नाम के जो फार्मर है उसका हाउस था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइन कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। और उस हाइट से हम क्या देख सकते हैं? रिवर को देख सकते हैं, जो फील्ड है खेत है उसको देख सकते हैं, और फील्ड का एक है राइप कॉर्न, कॉर्निस्ट जो धान है, डॉटेड विद द फ्लावर, और उस पे क्या लगा हुआ है? फ्लावर लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वो जो फ्लावर है वो हमेशा क्या कर रहे हैं? अच्छी फसल होगी इसका क्या कर रहे हैं? प्रोमिस कर रहे हैं। द ओनली वन थिंग्स द अर्थ नीडेड, और अर्थ को एक ही चीज की जरूरत थी, और वो क्या थी? ए डाउन पोर। डाउन पोर का मतलब होता है हैवी रेन, मूसलाधार बारिश हो जाए, और एटलीस्ट ए शॉवर, नहीं तो कम से कम क्या हो? शॉवर तो हो, शॉवर मिस्ट हल्की सी जो फुहार है, हल्की सी बारिश तो हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस पूरी सुबह जो लेंचो है वो, हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने फील्ड को अच्छे से जानता था, Has done nothing else but see the sky toward the northeast. उसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ किसकी तरफ देख रहा है? स्काई की तरफ, आकाश की तरफ, और वो कौन सी दिशा में देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। Now we are really going to get some waters, woman. और अपनी वाइफ से, उसकी वाइफ से वो कह रहा है कि हमें अब जरूर क्या मिल जाएगी? बारिश है वो मिल जाएगी, मीन्स बारिश हो जाएगी। The woman who was preparing supper, जो वो महिला है वो क्या बना रही थी? सपर। सपर मीन्स, ये सुपर नहीं है, सपर है, पर सपर का मतलब होता है डिनर, शाम का खाना बना रही है। रिप्लाई यस, और वो भी कैसे रिप्लाई दे रही है? कह रही है हाँ, गॉड विलिंग्स, के भगवान की इच्छा होगी तो क्या हो जाएगी? अच्छी बारिश हो जाएगी। एंड दैट टाइम्स द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़ा बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द अदर स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटा बच्चा क्या कर रहा है? हाउस के पास में खेल रहे हैं। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जब तक कि जो लेडीज हैं वो उनको नहीं बुलाए, काय के लिए? कम फॉर डिनर, खाने के लिए। तब तक आधे वो खेत में काम कर रहे हैं और आधे क्या कर रहे हैं? बच्चे उनके घर के पास में खेल रहे हैं। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील, और ये कौन सा टाइम है? ड्यूरिंग द मील, मील मिस्ट भोजन, खाने के समय में। जस्ट एज द लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मिस्ट फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी उसी के अकॉर्डिंग, अ बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे आकाश से गिरनी शुरू हो गई है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मिस्ट आते हुए, अपकमिंग। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मीन्स एक विशाल, बहुत ही बड़ा,
माउंटेन, जनरली हम देख रहे होंगे जिस प्रकार से बादल आते हैं तो लगता है कि पहाड़ का पहाड़ आ रहा हो, ऐसा वहां से दिखाई दे रहा था। एंड दैट टाइम्स द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और उस समय हवा कैसी चल रही थी, बिल्कुल फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन केम आउट फ्रॉम देयर हाउस टू फील द प्लेजर, जो रेनफॉल हो रही है उसका अपनी बॉडी पे आनंद लेने के लिए मैन है वो घर से बाहर आया है। एंड व्हेन ही रिटर्न्स ही एक्सक्लेम, एंड व्हेन ही रिटर्न्स बैक टुवर्ड द हाउस दैट टाइम्स ही एक्सक्लेम ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ द आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लेंचो कह रहा है कि जो स्काई से गिर रही है वो रेन ड्रॉप नहीं है, दे आर न्यू कॉइन। उनको क्या माना गया है, नए सिक्के माना गया है। और ऐसा क्यों माना गया है, बिकॉज वेन दे हैव गुड रेन आफ्टर दैट दे हैव गुड मनी। यदि उनके अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी तो उससे फसल अच्छी होगी, और अच्छी फसल होने का मतलब है उन्हें क्या मिलेंगे, न्यू कॉइन्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, दे कंपेयर द बिग ड्रॉप टू 10 सेंट। सेंट मीन्स जिस प्रकार से अपने इंडिया में पैसे चलते हैं, जस्ट लाइक दैट इट इज द करेंसी, ये भी क्या है, एक करेंसी है। बिग ड्रॉप को 10 सेंट से कंपेयर किया है, एंड द लिटलस्ट वन आर 5, और जो छोटी ड्रॉप है उसको किससे कंपेयर किया है, 5 सेंट से। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जैसा कि उन्होंने रिगार्डेड किया था, कंसिडर किया था, सोचा था ऐसा ही हुआ है। The all flowers and cornfields, the draped in a curtain of rain. उनके ऊपर draped का मतलब होता है cover. उनके ऊपर काय का एक cover बिछ गया था, एक पर्दा डल गया था काय का उन crop पे, उन flower पे काय का, rain का। But suddenly a strong wind begins to blow. लेकिन तुरंत बड़ी तेज हवा चलने लगी, wind means हवा चलने लगी है। And along with the rains, very large hailstone began to fall. Hailstone means the frozen rain. ओलावृष्टि, जैसे ही बारिश बंद हुई है उसके साथ में ओलावृष्टि शुरू हो गई है। And thus truly did resembles new silver coin. Resemble means look like, वैसे होता नहीं है लेकिन उसके जैसा प्रतीत होना। तो जो हेलस्टोन गिर रहे हैं, जो ओलावृष्टि हो रही है, वो कैसे लग रहे हैं, चांदी के नए नए सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे। When the storm had passed, when the hailstone passed, after that he stood in the middle of field. He means Lancho stood in the middle of field. वो उस फील्ड के, खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया है। And says to his son, और उनके अपने बच्चों से कह रहा है, A plague of locust would have left more than this. Plague of locust, जिस प्रकार से जो harmful insect हैं, देखा होगा जिस प्रकार से टिड्डी का दल आता है पूरा का पूरा, तो वो क्या करता है, क्रॉप है, फसल है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर लेता है। लेकिन लेंचो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लॉकस्ट भी इससे तो कुछ ज्यादा छोड़ जाता, मीन्स हेल स्टोर ने उसके फील्ड को, कॉर्न फील्ड को, उसकी जो कॉर्न है, फसल है, उसको क्या कर दिया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया है। जनरली ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट मीन्स वी कंपेयर इट टू, जो अपने यहाँ टिड्डी आती है उससे किया गया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल है, जो ओलावृष्टि है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर्स वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो सेड टू हिज सन, कि इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगी, कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, और वो नाइट प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसी थी, सोरोफुल थी, बड़ी दुखदायक थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कह रहा है जो हमने काम किया था उसका कोई मतलब नहीं रहा है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद गई है। देर आर नो वंस हु कैन हेल्प अस, अब कह रहा है यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी क्या करे, मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल कैसे रहना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक जो फार्मर है उसकी कंडीशन को बताया गया है कि ही वॉज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हिज
कॉर्न, वो कंप्लीटली अपनी जो फसल है उस पर डिपेंड रहता है, और जब वो नष्ट हो जाती है तो उसके बाद में वो सारी उम्मीदें छोड़ देता है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्स इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली, सॉलिटरी मींस अलोन, अकेला, एक ही जो वहां पे घर था उस वैली के अंदर, उस घाटी के अंदर, देयर वॉज ए सिंगल होप, और उनमें सिर्फ एक ही होप, उम्मीद अभी भी बरकरार थी कि हमारी हेल्प कर सकता है, और वो किन से थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उन्हें लग रहा था कि मेरी सिर्फ एक ही है इस दुनिया में जो हेल्प कर सकता है, और वो कौन है, भगवान है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टू टोटली लॉस्ट, ऐसे लग रहा था कि कंप्लीटली उनका सब कुछ लूट गया है, लेकिन वो कह रहे हैं रिमेंबर, याद रखो, नो वंस टू डाई इन हंगर, कोई भी भूख से नहीं मिरा है, दैट्स व्हाट दे सेस्ट, नो वन डाइज इन हंगर। और उनके कहने का क्या मतलब है कि कोई भी, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने उसकी जो एक ही होप है, होप मींस जो उम्मीद है, आशा है, उसके बारे में सोचा है, द हेल्प ऑफ गॉड, कौन मदद कर सकता है, गॉड मदद कर सकता है, भगवान मदद कर सकता है, हुज आइज, उसकी जो आंखें हैं, अज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, वो सारी चीजों को देखता है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, यहां तक कि किसी व्यक्ति के अंदर इनर सेंस में कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है, यह भी देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग मैन, लेंचो कैसा था, बहुत ही मेहनती था, और जनरली ऑल फार्मर्स, जितने भी फार्मर हैं, सबके सब बहुत ही मेहनती होते हैं, वैसे लेंचो भी मेहनती था, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, और खेत में कैसे काम करता था, एनिमल की तरह काम करता था, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना भी जानता था। सो द फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे एट डेब्रिक, जैसे ही सुबह हुई है, डेब्रिक मीन्स जैसे ही सुबह हुई है, ही बिगन्स टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन एंड प्लेस्ड इन द मेल, वो स्वयं ने लेटर लिखा है, खुद ही उसको टाउन पे लेके गया है, और वहां से कहां लेके गया है, मेल, जो पोस्ट ऑफिस है वहां जाके उसको मेल किया है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ भी नहीं था, लेकिन एक लेटर था, और वो लेटर किसको था, गॉड को लेटर था, भगवान को लेटर था। ही रोट गॉड, उसने भगवान से लिखा है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे, आई नीड 100 पैसो, पैसो मीन्स एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनकी, जैसे अपने रुपया है वैसे वहां की करेंसी है, 100 पैसो मांगे इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, और क्यों मांगे हैं, सो का मतलब होता है बोना, मेरे खेत को वापस बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल नहीं हो जाती तब तक जीवन यापन करने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और मैं क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि क्या हो गया था, हेल स्टॉर्म आ गया था, ओलावृष्टि हो गई थी, तूफान आ गया था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप मीन जो लिफाफा उसके ऊपर उन्होंने एड्रेस क्या डाला है, टू गॉड, पुट द लेटर्स इन साइड, जो बाद में लेटर लिखा था वो उस लिफाफे के अंदर डाल दिया है, एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी वो परेशान है, वेंट टू टाउन, लेकिन वो शहर में गया है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया है, एंड ही प्लेस्ड स्टैम्प्स ऑन द लेटर, स्टैम्प मीन्स जो ऊपर टिकट है वो उसके ऊपर लगाई है, एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और जो डाक का डिब्बा है उसमें क्या कर दिया है, उस लिफाफे को डाल दिया है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉई है, कौन है, जो पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस के काम में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो जोर से हंसता हुआ कहाँ गया है, उनके बॉस के पास, और पोस्टमैन का बॉस कौन होता है, पोस्ट मास्टर के पास गया है, एंड सो हिम्स ए लेटर टू गॉड, और वो हंसते हुए क्या कर रहा है, ये लेटर दिखा रहा है कि लेटर कहाँ आया है, एक भगवान के लिए लेटर आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोस्ड दैट एड्रेस, और जो पोस्टमैन है उसने अपने पूरे इस
लाइफ के कैरियर में कभी भी इस एड्रेस का कोई लेटर नहीं दिखाए। द जो पोस्ट मास्टर वो कैसा व्यक्ति था, फैट एमियेबल फेलो, एमियेबल मीन्स मिलनसार, फ्रेंडली व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोकआउट लॉफिंग, वो भी हंसने लगा है, अपनी हंसी को नहीं रोक पाया है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वो वापस क्या हो गया है, सीरियस हो गया है, गंभीर हो गया है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे टैपिंग करते हुए लेटर को कह रहा है, कमेंटेड्स किया है, व्हाट फेथ, कि देखो किसमें विश्वास भी क्या चीज है। आई विश्ड आई हैड द फेथ ऑफ मैन हू रॉट दिस लेटर। पोस्टमास्टर कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि जिस व्यक्ति का ये फेस है, फेथ एक विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखना है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विद द गॉड, और हमें क्या करना है, करेस्पोंडेंस, करेस्पोंडेंस मीन्स जो एक पत्राचार है भगवान की तरफ से अपन को करना है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और क्यों करना है, भगवान की तरफ से करेस्पोंडेंस जवाब देना है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जिस व्यक्ति ने गॉड को लेटर लिखा है उसका जो फेथ है वो बरकरार रहे, इसलिए हमें करना है। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया है, आंसर द लेटर, कि अपन चलो क्या करते हैं, इनके जो लेटर का आंसर देते हैं। बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज इविडेंस डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लिफाफे को खोला है, लेटर को पढ़ा है, तब उनको क्लियर दिख गया, इविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट दिख गया है कि सिर्फ सद्भाव, गुडविल होना ही काफी नहीं है इस पेपर का जवाब देने के लिए, सिर्फ इंक और पेपर ही नहीं चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया था कि हमें गॉड की तरफ से उससे पत्राचार करना है, उस पे वो डिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर ने अपने जो एम्प्लॉय है उनसे पैसे मांगे हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी के कुछ पार्ट उसमें से दिया है सैलरी का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड, और अपने जो दूसरे फ्रेंड हैं उनसे भी इस काम के लिए कुछ पैसे लिए, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स जो भलाई का काम है, एक उसके लिए पैसे मांगे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, लेकिन पोस्ट मास्टर और उनके एम्प्लॉय मिलकर के भी 100 peso इकट्ठा नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली ए लीटर मोर देन हाफ, वो इतना ही जो मनी वापस सेंड कर सकते हैं, वो हाफ से कुछ ज्यादा थी, हाफ 100 का आप कितना होगा 50 से कुछ ज्यादा पैसे थे वो उन्होंने भेज पाए। ही पुट द मनी इन एनवलप्स एड्रेस्ड टू द लेंचो, उन्होंने उस मनी को उस लिफाफे में डाला है, ऊपर लेंचो का एड्रेस डाला है। एंड विद इट लेटर्स कंटेन ओनली ए सिंगल वर्ड एट द सिग्नेचर्स, और बाकी लिखा कुछ नहीं है, ओनली द साइंस ऑफ गॉड, उन्होंने सिर्फ गॉड लिखा है, मतलब भगवान के सिग्नेचर की है। अब देखिए जैसे वापस पैसे लेंचो तक जाते नहीं जाते हैं, जाते हैं तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, पैसे मिलने से वो खुश होता है या नाराज होता है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम्स अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे लेंचो हमेशा से कुछ जल्दी आया है ये पूछने के लिए कि का कोई मेरे लिए लेटर आया नहीं आया। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वो पोस्टमैन ने खुद उस लेंचो को लेटर पकड़ाया है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, और पोस्ट मास्टर क्या देखना चाह रहा है कि ये पैसे मिलने के बाद जो फार्मर है उसको कितना सेटिस्फेक्शन होता है वो फील करने के लिए देख रहा है। हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा काम किया है। लुक्स्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से देख रहा है। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज फ्रॉम सीइंग द मनी, बाकी लेंचो ने जैसे ही पैसे देखे तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको गॉड पे इतना कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकम्स एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, पैसे
देखकर भी नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जैसे उसने पैसों को काउंट किया है तो वो नाराज हो गया है। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कि भगवान उसको लग रहा है कि जो गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता मना करना, कि वो कभी मना भी नहीं कर सकता है कि लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने जो उनसे रिक्वेस्ट की है उसके लिए भगवान कभी मना नहीं कर सकता है। इतना उसको लेंचो को गॉड पे बिलीव था, इसलिए वो क्या है पैसे देख करके भी, क्योंकि उसने 100 मांगे थे और 100 नहीं मिले, इसलिए वो क्या है नाराज है। अब देखो नेक्स्ट वो क्या कर रहा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत वो वापस कहां गया है विंडो की तरफ गया है, टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, और वहां जाके क्या मांगा है पेपर और इंक मांगे हैं, लेटर वापस लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकल्स ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड्स टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वो अपने मन में जो आइडिया जा रहे हैं वो उसमें जो लेटर में लिख रहा है, तो इस वजह से उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर भी वो सारी चीजें दिख रही है। When he finished, जैसे उसने लेटर लिखना फिनिश कर दिया, he went to the window to buy a stamp, और वापस कहाँ गया है विंडो पे गया है, वहां जाकर के खिड़की से स्टैम्प खरीदी है, टिकट खरीदी है, which he leaked, उस टिकट को चाटा है, उसके पीछे थूक लगाए हैं, चाटा है, एंड देन फिक्स्ड द envelopes विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, और फिर जोर से फिस्ट मीन्स मुट्ठी, मुट्ठी से उसको क्या किया है स्टैम्प को जोर से मारा है और उसको स्लिफा पे चिपका दिया है। द मोमेंट द लेटर्स फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वापस वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब के पोस्ट मास्टर खुद उस बॉक्स को खोलने गया है और देखिए लेटर में क्या लिखा है। इट सेड्स गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, और कितने मांगे थे 100 पैसों, बट ओनली 70 पैसों रिच में, लेकिन मेरे पास कितने पहुंचे हैं 70 पैसों पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मिस्ड बाकी के पैसे प्लीज मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन वो पैसे डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूमिक्स बेईमान है, और इस वजह से वो चाह रहा है कि इन लोगों ने मेरे साइड पैसे ले लिए हैं, और वास्तव में हुआ क्या था उन्हीं लोगों ने क्या किया था उसकी हेल्प की थी। तो एक जो सीधा साधा व्यक्ति है किस प्रकार से गॉड पे बिलीव कर सकता है, वो इस लेटर टू गॉड में दिया हुआ है।